अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तक हमने 14 चैप्टर तक ये पढ़ा है कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होता है। अब हमने फर्दर इससे आगे चलना है कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके चेंज होने से क्या होता है, वो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास फर्दर वहीं से स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ रहा है उसको हम चेंज करें, तो उसके चेंज होने से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमारे पास EMF सर्किट में इंड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फिनोमिना होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट चेंजेस, जब भी हम किसी सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं एंड EMF एंड करंट आर इंड्यूस्ड इन द सर्किट, तो तब हमारे पास EMF और करंट जो है वो सर्किट में इंड्यूस होते हैं, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस्ड EMF। इफ अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड देन ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट विच इज कॉल्ड इंड्यूस करंट एंड EMF प्रोड्यूस इज कॉल्ड EMF। वो कहता है जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर में से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब भी किसी कंडक्टर में से को हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करवाते हैं, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मूव होता है उसके मूव होने से हमारे पास क्या होता है, EMF और करंट इंड्यूस होते हैं। नाम आपने याद रखना है, इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट। हमारे पास फैक्टर्स जो हैं जिन पे हमारे पास इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द लूप एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। फिग देखिए, हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके दरमियान हमने रखी हुई है कॉइल। अब जो हमारे पास कॉइल जो है वो स्टेशनरी है, तब हमारे पास ना तो EMF इंड्यूस हो रही होगी यहाँ पे, ना ही करंट इंड्यूस हो रहा होगा। जैसे ही हम इस कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास इसी सर्किट के साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ होता है, जो हमें डिटेक्शन देखता है करंट की, क्योंकि जो करंट है वो उसमें से गुजर रहा है। तो जैसे ही हम कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर जो अटैच होता है कॉइल के साथ सर्किट में, उसमें से जो करंट है वो गुजरना स्टार्ट होता है, वो हमें रीडिंग देता है। तो वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कि स्पीड ऑफ द लूप एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, कि हम कितनी तेज़ी से जो लूप है उसको घुमा रहे हैं, जो कॉइल है उसको रोटेट करवा रहे हैं। सिंगल है तो लूप आएगा हमारे पास, वर्ड लूप यूज़ करेंगे हम, तो हमारे पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास लूप है उसकी स्पीड कितनी, हम कितनी स्पीड से उसको घुमा रहे हैं। सेकेंड वन हमारे पास वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कि सर्किट जो है वो, जो हमारे पास लूप है वो कितनी रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स विच इंक्रीज द इंड्यूस EMF। अब हमने देखना है कि वो वाले फैक्टर जो हमारे पास जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू को ज़्यादा करते हैं, वो कौन कौन से हैं। यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, पहली बात तो ये कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मूविंग द लूप फास्टर, हम जो लूप है उसको तेजी से रोटेट करें, उसकी मोशन जल्दी से हो। यूजिंग अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, हमने जो कॉइल यूज करनी है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि जो कैपिटल एन हम यूज करते हैं वो ज्यादा होना चाहिए। जितनी लूप से ज्यादा होंगे उतने ही हमारे पास क्या होगा, ज्यादा करंट इंड्यूस होगा उसमें से। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लूप, और जो हम लूप यूज कर रहे हैं उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अगर एरिया कम होगा तो उस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम गुजरेंगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगे। जब ये दोनों चीज़ें फर्दर प्रोसीड होती है तो हमारे पास जो करंट होता है वो ज़्यादा इंड्यूस होता है। नेक्स्ट, इंड्यूस करंट कैन बी प्रोड्यूस, हमारे पास इंड्यूस करंट कैसे पैदा होता है। इंड्यूस करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और लूप, जो हमारे पास करंट इंड्यूस हो रहा होता है उसको हम मोशन देते हैं, रिलेटिव मोशन होती है हमारे पास, या तो हम कॉइल को रोटेट कर ले, या जो हमारे पास
मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं इसको, यानी कि जिधर आपके पास कॉइल जिधर रेड येलो कलर की है उसको रोटेट कर लें आप, उसको कभी बाहर खींचे कभी अंदर लेके जाएं, या हमारे पास जो मैग्नेट है उसको आप 24 मोशन दें, तो दोनों के 24 मोशन से जो हमारे पास करंट होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें इंड्यूस हो जाएगा। मेथड्स हैं आपके हमारे पास इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करने के, तो हमारे पास क्या है, देर आर फॉलोइंग मेथड्स टू प्रोड्यूस EMF, रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट एंड कॉइल ऑफ वायर। तो आपने जो कॉइल यूज़ करी है उसको मूवमेंट दें, या आप जो आप मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसकी मूवमेंट होगी हमारे पास। चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, वो हमने पहले भी पढ़ा था, जब भी हम एरिया जो है कॉइल का उसको चेंज करेंगे, उसको कम या ज़्यादा करेंगे, तो आप ज़्यादा करेंगे तो तब हमारे पास जो EMF है वो इंड्यूस होगी। जैसे अगर एरिया कम होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम गुजरेंगी, जैसे हम एरिया ज़्यादा करते हैं तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही होंगी, और एरिया की रोटेशन देते हैं तो तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज होगा तो हमारे पास करंट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। कॉइल को रोटेट करना है थर्ड, और थर्ड हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या टॉपिक आ गया एक, तो उसमें हम फर्दर अच्छी तरह से उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, मेन इंपॉर्टेंट पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर का आ गया, व्हाट इज मोशनल EMF ड्राइव इट्स रिलेशन। आपने मोशनल EMF बताना है कि क्या होता है, और इसका फाइनल जो रिलेशन है इसके फार्मूला का वो हमने ड्राइव करना है। आसान से है, देखते हैं, इन द EMF इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेट इज कॉल्ड मोशनल EMF। वो EMF जो भी किसी भी कंडक्टर के अलोंग प्रोड्यूस होती है, जब हम कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं तब हमारे पास जो EMF इंड्यूस हो रही होती है उसको हम कहते हैं मोशनल EMF, द EMF दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन। आगे इसका फार्मूला है, EMF इज इक्वल टू माइनस वी बी आउट साइन थीटा। वी हमारे पास वेलोसिटी, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, एल हमारे पास लेंथ है रोड की, साइन थीटा हमारे पास सिंपल एंगल है। अब हमने करना क्या है, आपने क्या किया, हमारे पास ये एक रोड है जिसकी करंट, जिसके में हमारे पास जो करंट है वो I गुजर है, जिसकी लेंथ हमारे पास L है, इसका जो एक साइड A है और दूसरी साइड हमारे पास ऊपर वाली साइड B है, नीचे वाली A है। यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वानोमीटर अटैच किया गया था, यहाँ पे गैल्वानोमीटर अटैच किया गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए, हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया है वो हमने इनटू द पेज किया, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो हम इनटू द पेज है, यानी टुवर्ड्स द अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जो आपकी रोड है इसको आपने रोटेट करवाना है, जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तब हमारे पास EMF इंड्यूस होगी इसमें। तो हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में, कंसिडर अ कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड इन टू मेटल प्लेट्स, हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं ऊपर और ये नीचे, ये वाली, एक मिनट, हमारे पास ये वाली प्लेन जो है एक प्लेट है, ये हमारे पास दूसरी प्लेट है, हमारे पास जिसके दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एल है, ये वाला एल खड़ा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। द रोड इज पुल टुवर्ड्स द लाइट, आपने क्या करना है, जो रोड है उसको लाइट इस तरफ खींचना है, हमारे पास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ खींचना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास हमने गैल्वानोमीटर अटैच किया, हमने बुक वाली फिगर बनानी है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारे पास गैल्वानोमीटर जी अटैच किया गया है, हमारे पास जब हम कॉयल को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, देन हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग देता है। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, पॉइंट ए है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए होगा, और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो वी बी होगा। तो EMF जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल होगा, वी बी में से हम वी ए निकाल देंगे। फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास कंडक्टिंग रोड साइड पे बनी हुई है, हमारे पास कंडक्टिंग रोड है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, तो आपकी जो फिंगर्स होंगी टुवर्ड्स द अर्थ होंगी, तो हमारे पास जो आपका थंब होगा वो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा जो बिल्कुल पॉइंट बी की तरफ होगी,
तो जो फोर्स होगी हमारे पास किस तरह होगी, गैल्वानोमीटर की तरफ होगी, ठीक है। इस तरह वो जो फोर्स गैल्वानोमीटर की तरफ होगी हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो हमारे पास जो फोर्स एक्ट करती है उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये वी क्रॉस बी मैंने वैक्टर फॉर्म्स हैं तो इनको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो क्यू वी बी हमारे पास बी बी का हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एंगल साइन थीटा आता है। यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटू द पेज है और जो कॉइल है वो हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो 90 का होगा और साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल है। तो जो फोर्स हमारे पास चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही होगी वो होगी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब वो अगेन वही राइट हैंड रूल यूज किया, तो हमने फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन की जो हमारे पास क्या पॉइंट है, ऐसे पॉइंट बी की तरफ है रोड की, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा कॉइल के अक्रॉस, हमने पढ़ा था कि करंट गुजर रहा है तो करंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से तो उसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। एफ की वैल्यू हमने निकाली है क्यू इज इक्वल एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी ओवर क्यू, क्यू जो हमारे पास है वो क्यू से कैंसिल हो जाएगा तो ई एम एफ की जो ई हमारे पास वैल्यू आएगी इज इक्वल टू वी बी होगा, ठीक है। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। ये रिलेशन अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पे जो हमारे पास डेल आर है वो हमारे पास लेंथ है रोड रोड की जो हमारे पास के एल है, तो हम डेल आर को एल के इक्वल पुट किया तो इक्वेशन आ गया हमारे पास इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर एल। अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट पीछे एक रिलेशन निकाला है, पीछे हमें उसमें हमें रिलेशन निकाला है इज इक्वल टू माइनस ई ओवर इज इक्वल टू माइनस ई एम एफ ओवर एल। तो इन दोनों इक्वेशंस जो है हमारे पास ये फर्स्ट वाली, इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम इसको हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है इज इक्वल टू माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो ई एम एफ हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक वी पे कर रही है, तीसरा हमारे पास क्या कर रही है मैग्नेटिक फील्ड पे, चौथा हमारे पास लेंथ पे कर रही है कंडक्टर की लेंथ पे, तीसरी हमारे पास एंगल पे डिपेंड कर रही है। जितनी हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास ई एम एफ ज़्यादा इंड्यूस, जितने हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास ई एम एफ इंड्यूस होगी, जितनी हमारे पास कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास जो इमोशनल ई एम एफ प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा होगी। दिस इज ऑल्स अबाउट योर टू डेज लेक्चर, थैंक यू।